दोस्तों, अनुपमा सीरियल से जुड़ी हुई आज जो दो बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, उन दोनों बड़ी खबरों में से जो पहली बड़ी खबर है, उस खबर को सुनकर आप सब इतने ज़्यादा हैरान हो जाएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जो पहली बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है समर से, अनुपमा से, अनुज से, और साथ साथ यहाँ पर वनराज से जुड़ी हुई। बात करें यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है डिम्पी से और समर से जुड़ी हुई। आखिर कौन सी है ये दो बड़ी खबरें, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अनुपमा सीरियल से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बात करें यहाँ पर पहली बड़ी खबर की, यानी जो वनराज, अनुपमा, अनुज और समर से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही समर का एक्सीडेंट हुआ, तो आपको बता दें कि जैसे ही समर शाह परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया, तो उसके बाद आपको बता दें कि वनराज ने अपने ही बेटे की मौत का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि अनुज पर लगाया है। और यहाँ पर अनुपमा भी हैरान हो गए कि वनराज आखिर ये क्या कह रहा है, क्या कहीं अनुज ने ही सच में तो समर को नहीं मारा है। लेकिन अब आपको बता दें कि वनराज का ये राज खुलने वाला है और अनुपमा को पता चलने वाला है कि अनुज को जानबूझ कर फंसाना चाहता है वनराज। बात करें यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की, यानी जो डिम्पी और समर से जुड़ी हुई है। तो अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने डिम्पी को बुलाया हुआ है और ये कहा है कि हमें एक सबूत मिला है, और उस सबूत एक लेटर है, वो भी हमें आपके पति के पास से मिला है, यानी समर से मिला है। और वो लेटर जिसने लिखा हुआ है उसकी अगर हैंडराइटिंग आपने डिम्पी पहचान ली, तो फिर उस कातिल का पता चल जाएगा जिसने आपके पति का एक्सीडेंट करवाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप उसके बारे में क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अनुपमा सीरियल से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।